अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज तैर रही है जिसे देख वैज्ञानिक हैरान है। यह अजूबा ग्रह आकार में हमारी पृथ्वी से करीब 11 गुना बड़ा है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति जितना बड़ा है। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस ग्रह का पता लगाया है। इसे जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट या JUMBOS नाम दिया गया है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक जेम्स टेलीस्कोप के जरिए ओरियन नेबुला का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर इस अजूबे पर पड़ी। वैज्ञानिकों का कहना यह अजूबा ग्रह आकार में इतना बड़ा है कि यह तारा तो नहीं हो सकता, लेकिन यह किसी तारे का चक्कर भी नहीं लगा रहा, इसलिए इसको ग्रह भी नहीं कहा जा सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने इस अजूबे ग्रह को लेकर एक दो अलग तरह की थ्योरी दी है। ESA के मुताबिक पहला तो यह हो सकता है कि यह विशालकाय वस्तु ऐसी जगह विकसित हुई हो जहां किसी तारे के विकसित होने के लिए पर्याप्त वातावरण ना हो। दूसरा, यह कोई ग्रह भी हो सकता है और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने सितारे से छिटक कर दूर चला आया हो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सीनियर साइंस एडवाइजर BBC से कहते हैं कि फिलहाल दूसरी वाली थ्योरी ज्यादा तार्किक लगती है। हमें लगता है यह अजूबा कोई ग्रह है और अपने सितारे से अलग हो गया है। गैस फिजिक्स भी यही कहती है कि बृहस्पति जितनी बड़ी किसी वस्तु का अपने आप निर्माण संभव नहीं है। फिलहाल इस अजूबे के बारे में और तथ्य तलाशे जा रहे हैं। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने जिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस भारी भरकम ग्रह को ढूंढा है उसे मानव इतिहास का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप कहा जाता है। साल 2021 में इसे लॉन्च किया गया था और 2022 से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल, अंतरिक्ष और ब्लैक होल के बारे में तमाम नई जानकारियां मिली हैं।